हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पैम क्या होता है। स्पैम कॉल्स, स्पैम एसएमएस, स्पैम जो ईमेल होते हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं, ये क्यों आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूं कि स्पैम जो होता है, इस पूरे मतलब स्पैम ईमेल जो स्पैम एसएमएस आता है आपके पास, उसमें एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोर्स किया जाता है। ठीक है, कि आप उनके द्वारा दिए गए लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, वहाँ पे आपको एक लिंक दी जाती है कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करें या फिर पासवर्ड डालें या फिर ओटीपी फिल करें, यही चीज़ें उसमें कही जाती हैं, या फिर आपका जो अकाउंट है खो गया है, ऐसी चीज़ें कि आप उस लिंक पे किसी न किसी जरिए क्लिक कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके पास ईमेल आती है तो आपको एक चीज़ चेक कर लेना है कि इसका डोमेन कैसा है। जैसे कि आजकल gmail.com होता है, ठीक है, या फिर outlook.com हो या फिर yahoo.com हो, जो लास्ट में डोमेन होते हैं, तो इन चीज़ों को चेक करना है और देखिए किसके द्वारा भेजा गया है, क्यों भेजा गया है। ठीक है, ऐसे किस और वहाँ पे लिंक, ऐसे कोई लिंक पे क्लिक ना करें, नहीं तो आपका जो मोबाइल के सारे अकाउंट है हैक हो जाएंगे, आपके फ़ोन में जो है नेट बैंकिंग चल रही है वो भी हैक हो जाएगी, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, रातों रात आपके बैंक से पैसे गायब हो सकते हैं। और दोस्तों आपके पास एसएमएस भी इसी के लिए किया जाता है कि आप उस लिंक पे क्लिक कर दें। बेसिकली अगर वो आपको एसएमएस करते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक ना करें, तो उसको स्पैम या फिर आजकल के जो मतलब अपग्रेडेड फ़ोन हैं उनमें तो स्पैम में वो खुद ही डाल देता है, लेकिन आप गूगल का प्रोडक्ट जो गूगल LLC ने पब्लिश किया है, वहाँ पे उसका उनका मैसेजेस वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वो खुद ही स्पैम में डाल देता है। तो उनके भेजने से आप उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की सारी डिटेल, सारा डेटा आपके फ़ोन है खो जाएगा। ठीक है, तब उनको प्रॉफिट होता है और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और दोस्तों आपके पास जब कॉल आती है, तो जब वो आपको किसी मतलब ऐसे रैंडम नंबर से फ़ोन करेंगे, जैसे कि +91438997, ऐसे मतलब अदर कंट्रीज का वो नंबर होगा, पूरा 10 अंकों का नंबर होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक जो गूगल ने एक एप्लीकेशन पब्लिश की है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप स्पैम से बिल्कुल अलर्ट रहना है, आजकल ये आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, और किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें जो कि अननोन हो, आपको जो भी पासवर्ड इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या फिर ट्विटर हो, उनको रिसेट करना हो, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इन्हें लॉगिन करके फिर रिसेट करें। ठीक है,